तो स्टूडेंट हम लोग आज देखेंगे एनोमलस एनोमलस बिहेवियर ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम लिथियम का एनोमलस बिहेवियर क्या है। पहला तो स्मॉलेस्ट साइज साइज एटॉमिक या इसे कौन कह सकते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस और दूसरी बात होती है कि स्मॉल साइज होने की वजह से ही इसके ऊपर हाई पोलराइजिंग पावर आता है हाई पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होता है अब अगर दिमाग में आया कि पोलराइजिंग पावर तो बता दिए तो क्या होता है ये होता है हमारा चार्ज बाय रेडियस। ये फिजिक्स में पढ़ोगे पोलराइजिंग पावर जो होगा चार्ज बाय रेडियस। अगर रेडियस छोटा होगा तो चार्ज ज़्यादा होगा तो पोलैरिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी। पोलैरिटी क्या होगी ज़्यादा होगी। रेडियस बड़ा होगा तो चार्ज कम हो जाएगा पोलैरिटी कम हो जाएगी। ठीक है नेक्स्ट हमने थर्ड बताया था कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है कि होता ही नहीं है। ठीक है और ये सारी जो चीज़ें हैं इन तीन प्रॉपर्टीज की वजह से और इसके अलावा जोड़ने के लिए बहुत कुछ मिलने की लोवेस में लोवेस्ट पॉजिटिविटी जोड़ने के लिए बहुत कुछ है जोड़ा जा सकता है। फिलहाल इसको नोट कर लिया होगा नोट करें yes. चलो ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज हमने बताई थी कि यहाँ पे ये जो हमारा ये लिथियम जो होता है लिथियम तो डायगोनल रिलेशनशिप डायगोनल रिलेशन रिलेशनशिप डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है विथ मैग्नीशियम विथ मैग्नीशियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। क्यों करता है ड्यू टू स्मॉलर एंड सिमिलर साइज में छोटा तो होता ही है लेकिन साइज इसकी जो होती है पर बराबर होती है इसी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है अब ये हम लोग जान गए कि जो लिथियम है वो एस ब्लॉक में एल्कली मेटल में थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। थोड़ा क्या करता है
डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अल्कली मेटल और लिथियम में डिफरेंस पैदा करती है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट हम पेज पे हम लिख रहे हैं लिथियम डिफर फ्रॉम द लिथियम डिफर फ्रॉम अदर अल्कली मेटल मेटल्स अदर अल्कली मेटल्स। पहला पॉइंट क्या होता है कि हमने बताया था कि जितने भी अल्कली मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? आर अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एंड सॉफ्टनेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सॉफ्टनेस क्या होती है? डाउन द ग्रुप सॉफ्टनेस इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, सॉफ्टनेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि लिथियम लिथियम सबसे सॉफ्ट होगा। लिथियम इज हार्डेस्ट हार्डेस्ट अमंग अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में जो लिथियम है वो हार्डेस्ट है, सॉरी वो क्या है, हार्डेस्ट है लिथियम जो है अल्कली मेटल में सबसे हार्डेस्ट है, क्योंकि छोटा साइज है। तो छोटी साइज है तो जब साइज बढ़ेगी तब सॉफ्टनेस बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, जरा सोचने वाली बात है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो क्या होगा? तो यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम इज हाईएस्ट एवर अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में लिथियम की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है हाईएस्ट। कारण है कि वो हार्डेस्ट है, स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से हार्डेस्ट है। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? और एक चीज, ओनली लिथियम लिथियम फॉर्म मोनो ऑक्साइड मोनो ऑक्साइड मोनोऑक्साइड क्या Li2O, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। वाइल अदर वाइल सोडियम या कहते हैं सोडियम फॉर्म परऑक्साइड परऑक्साइड एंड पोटेशियम की फॉर्म सुपर ऑक्साइड। एक हमने एग्जाम्पल के साथ बताया, जब नीचे जाएंगे तो ये क्या होगा, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाने की भी टेंडेंसी मिलती है। लेकिन केवल ये एक ही ऑक्साइड बनाता है लिथियम, लिथियम केवल एक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यस सर।
ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिथियम, लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोड्यूसिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमोन अल्कली मेटल। ओके ये सबसे स्ट्रॉन्ग इसका बिकॉज इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना मोस्ट इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज मोस्ट नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। ओके अब यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग गिव लिथियम मोनोऑक्साइड Li2O एंड H2O। ओके Li2O एंड H2O वाई अदर, वाई जो दूसरे हैं, दूसरे जो हैं डीकम्पोज अगर होते हैं तो वाई अदर अदर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड डू नॉट डीकम्पोज, ये डीकम्पोज नहीं होते इस तरह से जैसे यहाँ पे होता है कि ये लिथियम ऑक्साइड ऑफ वाटर में डीकम्पोज कर जाता है, ऐसा जो है अदर के साथ नहीं है। ठीक है yes. और यही हाल नेक्स्ट पॉइंट में हमारे यही कि जो लिथियम कार्बोनेट LiCO3 या फिर Li2CO3 डीकम्पोज टू गिव लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिथियम का कार्बोनेट हीट करने पर क्या क्या देता है और हीटिंग, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और लिथियम का मोनोऑक्साइड देता है, जबकि दूसरे ऐसा नहीं करते हैं। वाइल अदर अल्कली मेटल, अल्कली मेटल कार्बोनेट
डू नॉट दोस्तों ऐसा नहीं करते, अगर अल्कली मेटल ऐसा नहीं करते, केवल लिथियम का जो कार्बोनेट है वो हीट होकर के ऐसा करता है, ठीक है। और लिथियम जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये भी है कि लिथियम डू नॉट रिएक्ट विथ इथाइन नंबर समझ गए, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच डू नॉट रिएक्ट विथ इथाइन, ओके डू नॉट रिएक्ट विथ इथाइन, इथाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। वाई अगर जो दूसरे हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी जो है रिएक्शन करके थाइमिन बीम बना देंगे। और एक चीज और कि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिथियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, इज नोन इन सोल्यूशन, इज नोन इन सोल्यूशन नॉट इन सॉलिड स्टेट, नॉट इन लेकिन जो है कि इसका सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता है, इसका सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता, बाइकार्बोनेट जितने भी हैं बाकी सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, लेकिन ये जो है कि सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता, केवल सॉल्यूशन में ही पाया जाता है। तो ये क्यों, ये सारी प्रॉपर्टी क्यों आ रही है, क्योंकि उसकी नॉर्मल साइज है, छोटी साइज है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है, सबसे हाई उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कर सकते हो कि अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी है, तो इस वजह से जो एब्नॉर्मल बिहेवियर है वो शो करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है लिथियम में तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और थोड़ा हम लोग चलो छाए और लिख लेते हैं हम लोग कि जो लिथियम है, लिथियम का जो फ्लोराइड ऑक्साइड फॉस्फेट ऑक्सलेट कार्बोनेट ये स्पाइरिंगली सॉल्युबल है, फ्लोराइड फॉस्फेट ऑक्साइड कार्बोनेट फ्लोराइड फॉस्फेट ऑक्साइड कार्बोनेट एंड ऑक्सीलेट आर ऑफ लिथियम ऑफ एल एन आर स्पाइरिंगली सॉल्युबल, स्पाइरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर
जो है कि स्पाइरिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, स्पाइरिंगली सॉल्युबल का मतलब जो होता है वो पूरी तरह से घुले गए हैं, व्हाइल अदर फ्लोराइड फॉस्फेट एंड कार्बोनेट व्हाइल अदर्स आर फ्रीली सॉल्युबल आर फ्रीली सॉल्युबल आर फ्रीली सॉल्युबल फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, बाकी के जो फ्लोराइड्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, ऑक्सीलेट हैं, ये सब जो है कि बाकी मेटल के फॉस्फेट फ्लोराइड ऑक्साइड कार्बोनेट ऑक्सीलेट ये सब वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होते हैं, पूरी तरह से सॉल्युबल होते हैं। लेकिन इसका जो होता है वो स्पाइरिंगली सॉल्युबल होता है, वो क्या होता है, स्पाइरिंगली सॉल्युबल होता है। ठीक है, चलो एक मिनट, कंप्लीट कर। ठीक है, दो लाइन और है बस कंप्लीट कर लें। ठीक है, लिथियम जो सल्फेट है Li2SO4 देखो ये सब तुम्हें कंपटीशन में जरूर देखेंगे, ये द ओनली इज द ओनली ओनली अल्कली मेटल सल्फेट, अल्कली मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट केवल एक मात्र अल्कली मेटल सल्फेट है जो डबल साइड में बनाता है, विच डू नॉट फॉर्म डबल साल्ट। डबल साल्ट का मतलब क्या होगा, एनम, ए एल यू एम, एनम नहीं बना। ठीक है, तो ये सब देखो कंपटीशन ही सूची जाने वाले हैं, अब ये चीजें पढ़ते पढ़ते याद रहेगा भूल जाएगा। ठीक है, एक लास्ट बस लास्ट एक और जो लिथियम क्लोराइड है Li, लिथियम क्लोराइड इज डेलिफिसेंट, इज हाईली डेलिफिसेंट, हाईली डेलिफिसेंट and soluble in air water and soluble in alcohol। ओके, केवल लिथियम का जो है कि एंड पायरिडीन, अल्कोहल एंड पायरिडीन, पायरिडीन भी एक जो है कि सॉल्वेंट होता है पायरिडीन। ठीक है, तो ये इसकी सारी जो है कि प्रॉपर्टीज हो गई जो लिथियम से अलग बिहेवियर शो करता है। ठीक है, कहीं भी कोई एक चीज और बता दे कि ओनली केवल लिथियम ऐसा है, ओनली ओनली लिथियम लिथियम क्रिएट डायरेक्टली विथ वाट विथ कार्बन, केवल
लिथियम ही है जो कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है। लिथियम को अगर हम जो है कि हीट कर दें कार्बन के साथ हीट कर दें तो क्या बना लेगा लिथियम सी ट्रिपल बॉन्ड सी लिथियम, ये प्लस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो एकमात्र लिथियम है जो डायरेक्ट रिएक्शन करता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारा जो है कि किसी न किसी पेपर में जरूर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इन टुडे केमिस्ट्री क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट अल्कली मेटल। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल। नाउ इन टुडे क्लास वी विल सी द एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड इट्स रिलेशन, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीशियम ऑफ द सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके,